माता ज्वाला देवी। माता ज्वाला देवी शक्ति के एकावन शक्तिपीठों में से एक है। भगवान विष्णु ने आदि शक्ति के शरीर को चक्र के बाहर से खंडित कर दिया था। जिन स्थानों पर ये टुकड़े गिरे उन स्थानों पर शक्तिपीठ अस्तित्व में आए। माता सती की महाजीबा ज्वाला जी पर गिरी थी और छोटी लौटों के रूप में प्रकट हुई। ऐसा कहा जाता है कि सदियों पहले एक चरवाहे ने देखा कि अमोघ पर्वत से ज्वाला निकल रही है और उसके बारे में राजा भूमिचंद को बताया। राजा को इस बात की जानकारी थी कि इस क्षेत्र में सती की जीव गिरी थी। राजा ने वहां भगवती का मंदिर बनवा दिया। ज्वाला जी युगों से एक तीर्थ स्थल है। मुगल बादशाह अकबर ने एक बार आग की लपटों को एक लोहे की चादर से ढकने का प्रयास किया और यहाँ तक कि उन्हें पानी से भी बुझाने चाहा, लेकिन ज्वाला की लपटों ने इन सभी प्रयासों को विफल कर दिया। तब अकबर ने तीर्थस्थल पर एक स्वर्ण छत्र भेंट किया और क्षमा याचना की। हालांकि देवी के सामने अभिमान भरे वचन बोलने के कारण देवी ने सोने के छत्र को एक वज्र धातु में परिवर्तन कर दिया, जो अभी भी अज्ञात है। इस घटना के बाद देवी में उनका विश्वास और अधिक मजबूत हुआ। माता के इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है। यहाँ पर निरंतर निकलने वाली अग्नि को ही माँ ज्वाला जी का प्राकट्य माना जाता है। यहाँ पर शक्ति के 9 स्वरूपों में 9 ज्वालाएं हमेशा जलती रहती है। माँ ज्वाला जी का यह मंदिर कालीधारी नाम की एक पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। इस मंदिर के ऊपर सुनहरे गुबंद और ऊंची चोटियां बनी हैं। मंदिर के अंदर 3 फीट गहरा और चौकोर गड्ढा है, जिसके चारों ओर रास्ता बना हुआ है। अकबर द्वारा चढ़ाया गया सोने का छत्र। बहुत बहुत धन्यवाद।
जैसे गोरखा देवी चलो दरबारे